आज भले ही पूरी दुनिया से लगभग कई लोगों ने चांद पर कदम रख दिया है, लेकिन 1969 में जिस शख्स ने सबसे पहले चांद पर पहुंचने का इतिहास रचा था वह सिर्फ और सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग ही थे। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने धरती से सीधे चांद पर अपना पहला कदम रखा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हो पाया है? वैसे इस बात के बारे में तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर नील आर्मस्ट्रांग ने धरती से चांद की दूरी को कैसे तय किया था? आखिर कैसे किया गया था इस प्रोजेक्ट पर काम? कैसे रखे थे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम? क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग के अलावा कौन कौन जा चुका है चांद पर? आखिर क्या था अपोलो 11 अभियान और कौन था नील आर्मस्ट्रांग के साथ? जी हाँ, भले ही आप नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हो, लेकिन इसके अलावा और कई बातें हैं जो कि नील आर्मस्ट्रांग से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो जानने के लिए अपोलो 11 मिशन से जुड़ी कई ऐसी बातें जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो में। यहाँ हम जानेंगे अपोलो अभियान की सारी कहानी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पृथ्वी से बेहद खूबसूरत दिखने वाला चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई सन 1969 में अपना पहला कदम रखा था। बता दें कि 19 जुलाई 1969 को मेरिट आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से उड़ान भरने वाला अपोलो 11 नासा के अपोलो अभियान का पांचवा मानवीय मिशन व तीसरा चंद्र अभियान था। खैर, नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो अक्सर आपने अपनी किताबों में ही पढ़ा होगा, पर यहां हम आपको इस वीडियो में उन 11 लोगों के बारे में भी बताएंगे जो कि चांद की जमीन को छू कर आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि जिस समय नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचे थे उस समय वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ दो और शख्स थे जिनमें से एक थे लूनार मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन, जो कि कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के साथ मिशन अपोलो 11 में मौजूद थे। और नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने के 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था, जिसके बाद वह चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। और तीसरे शख्स जो कि मिशन अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के साथ थे, उनका नाम था माइकल कोलिंस, जो कि कमांड मॉड्यूल पायलट थे और इन्होंने ही यान को चंद्रमा के चारों तरफ उड़ाया था। पर क्या आपको इस बारे में पहले से जानकारी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम आपको अपोलो 11 में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट से जुड़ी उस घटना के बारे में बताएंगे जिसका सामना इन तीनों ने अपने चांद पर पहुंचने के सफर के दौरान किया था। बता दें कि अपोलो 11 का लक्ष्य किसी विशिष्ट स्थान पर सटीकता के साथ उतरना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य तो चांद पर सुरक्षित उतरना था। और चांद पर उतरते समय 3 मिनट के सामयिक रूप के बाद आर्मस्ट्रांग ने महसूस किया कि उनकी गति प्लान की गई योजना के कुछ सेकंड अधिक है और हो सकता है कि उनका इर्गल शायद प्लान के मुताबिक चुने गए स्थान से कई मील दूर जाकर उतरेगा, जिसके बाद इर्गल के लैंडिंग राडार के सतह के आंकड़ों को प्राप्त किया। उस समय कंप्यूटर से भी कुछ गलती भरी चेतावनियां सामने आई। बता दें कि पहली चेतावनी त्रुटि 1202 के रूप में आई। अब ऐसे में आपने काफी समय के प्रशिक्षण के बावजूद भी एल्ड्रिन अथवा आर्मस्ट्रांग दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर इसका क्या मतलब है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ल्स ड्यूक से संपर्क किया और उन्हें चार्ल्स ड्यूक की तरफ से यह संदेश मिला कि ये गलती भरी चेतावनियां किसी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, यह चेतावनियां तो सिर्फ कंप्यूटर ओवरफ्लो के कारण आ रही हैं। लेकिन जब आर्मस्ट्रांग को इस बात का पता चला कि वह निर्धारित जगह यानी कि अपनी सुरक्षित लैंडिंग के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने लूनर मॉड्यूल का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और इसे सुरक्षित उतारने के लिए किसी जगह की तलाश करने का प्रयास करने लगे। वह जानते थे कि इस कार्य में काफी अधिक समय लग सकता है, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लैंडिंग की जगह तलाशने लगे। स्थिति ऐसी थी कि उस वक्त ज्यादा समय का लगना काफी चिंता का विषय भी बन सकता था। जी हाँ, इसकी एक वजह ये थी कि इससे लूनर मॉड्यूल के ईंधन के चूक जाने की आशंका थी। अब ऐसे में उन्हें काफी सावधानी से सुरक्षित लैंडिंग करनी थी। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग को ऐसा लगा कि उनके पास अब सिर्फ 40 सेकंड का ईंधन ही मौजूद है, जिसमें कि वह 20 सेकंड का ईंधन भी शामिल था जिसे कि मिशन को निरस्त करने की दशा में भी बचाना था। पर आपको बता दें कि हैरानी की बात तो यह है कि मिशन की समाप्ति के बाद यह पाया गया कि उस समय तकरीबन 45 से 50 सेकंड के संचालक जितनी शक्ति शेष बची थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर 21 जुलाई 1969 को लैंडिंग की थी। उस समय लूनर मॉड्यूल के चार पैरों में से तीन के साथ जुड़े तीन लंबे प्रोब्स में से एक चंद्रमा की सतह के संपर्क में आया था और तभी मॉड्यूल के अंदर सूचक
लाइट भी जल गई थी और एल्ड्रिन ने यह घोषणा भी कर दी थी कि कॉन्टेक्ट लाइट, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने इंजन को बंद करने का निर्देश दे दिया था। और कुछ सेकेंडों की लैंडिंग प्रणाली की जाँच के उपरांत आर्मस्ट्रांग ने यह घोषणा भी कर दी थी कि हाउस्टन ट्रांक्विलिटी बेस हियर द इर्गल हैज लैंडेड। अपनी इस सफल लैंडिंग के बाद एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे की पीठ भी थपथपाई, जिसके कुछ सेकंड बाद ही जमीनी संपर्क स्थल से भी ड्यूक ने संदेश की प्राप्ति को कंफर्म कर दिया था। बता दें कि ऐसे में नासा के आधिकारिक योजना के मुताबिक चालक दल को चंद्रमा पर उतरने के बाद एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी कि यान से बाहर की क्रियाओं के संपर्क में आने से पूर्व कुछ देर विश्राम करना था, लेकिन आर्मस्ट्रांग ने इस कार्य को बिना समय गवाए जल्द ही करने का अनुरोध किया। और जब एल्ड्रिन व आर्मस्ट्रांग बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, तब इर्गल वायु दाब मुक्त किया गया और दरवाजे को खोला गया और सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ही सीढ़ी पर उतरे और सीढ़ी पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब मैं LEM से नीचे उतरना वाला हूँ। इस लाइन ने उनका मतलब अपोलो लूनर मॉड्यूल से था। इतना कहने के बाद वह मुड़े और उन्होंने अपना बायां पैर चांद की सतह पर रखा। बता दें कि जिस समय नील आर्मस्ट्रांग ने जमीन पर कदम रखा उस वक्त लगभग UTC के मुताबिक 2:56 का समय था और वह दिन था 21 जुलाई 1969 का। बता दें कि इस दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने ये प्रसिद्ध कहे थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड। आर्मस्ट्रांग के इस घोषणा के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका द्वारा इस क्षण का सजीव प्रसारण भी किया गया। बता दें कि यह प्रसारण BBC एवं अन्य प्रमुख स्टेशनरों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रसारण के बाद पूरी दुनिया के लगभग 45 लाख श्रोतागण रेडियो द्वारा इस क्षण के साक्षी बने थे। उस समय नील आर्मस्ट्रांग का लूनार मॉड्यूल अगल 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की पृष्ठभूमि पर ही रहा था और उस समय कॉलिंस कमांड सर्विस मॉड्यूल कोलंबिया में चांद के ऊपर बने रहे थे। बता दें कि 24 जुलाई को तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में उतरे थे, जो कि अपने साथ 21.5 किलोग्राम के चांद के नमूने लाए थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के बाद अब तक 10 और एस्ट्रोनॉट चांद पर जा चुके हैं, जिनमें से पेटे कॉनराड चांद पर कदम रखने वाले तीसरे व्यक्ति थे। बता दें कि अमेरिका ने नवंबर 1969 में अपोलो 12 मिशन भेजा था, जिसके जरिए कॉनराड चांद पर पहुंचे थे। इस दौरान एलन बीन पेटे कॉनराड के साथ ही चांद पर गए थे। वह अपोलो 12 मिशन का ही हिस्सा थे और इस तरह वह चांद पर जाने वाले चौथे व्यक्ति बने। एलन शेपर्ड चांद पर जाने वाले पांचवे व्यक्ति थे। वह एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे, पायलट भी थे, बिजनेसमैन भी थे वो, जो कि फरवरी 1971 में अपोलो 14 मिशन के तहत चांद पर पहुंचे थे। एडगर मिशेल ने अपोलो 14 मिशन के तहत ही चांद पर कदम रखे थे, जिसके बाद वह बने चांद पर जाने वाले छठे व्यक्ति। बता दें एडगर मिशेल ने प्रामोरा हाईलैंड्स क्षेत्र में चांद की सतह पर 9 घंटे काम किया था। एडगर के बाद डेविड स्कॉट अपोलो 15 मिशन के जरिए चांद पर गए थे। वह अमेरिका टेस्ट पायलट और नासा एस्ट्रोनॉट थे, जो कि चांद पर कदम रखने वाले सातवें व्यक्ति थे। जेम्स इरविन चांद पर जाने वाले आठवें व्यक्ति थे, जो कि अपोलो 15 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचे थे। जॉन यंग ने नासा के अपोलो 16 मिशन के तहत चांद के लिए उड़ान भरी थी। इनके साथ ही चार्ल्स ड्यूक भी अपोलो 16 मिशन के तहत चांद पर पहुंचे थे, जो कि चांद पर कदम रखने वाले 10वें व्यक्ति थे। यूजीन सेरेनन एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे और इन्होंने अपोलो 17 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था, जिसके बाद वह बन गए थे चांद पर कदम रखने वाले 11वें व्यक्ति। और सबसे बाद में हैरिसन चांद पर जाने वाले 12वें व्यक्ति थे, जो कि अपोलो 17 मिशन के तहत ही चांद पर गए थे। इस मिशन के बाद उन्होंने 1975 में नासा के रिटायरमेंट ले लिया था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया था।